नमस्कार, मैं हूं लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं बरदाना एक्सप्रेस। हम अब बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर श्री बागेश्वर इंटरप्राइजेस नाम की चिटफंड कंपनी, मार्केटिंग कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से 3 लड़कियों को बुलाया गया और यहां पे अपने जो स्टाफ है उनके सामने डम जमकर डांस करवाया गया, और वो भी बागेश्वर इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया है, जहां पर इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं और आपत्ति इस बात की उठाई जा रही है कि जो मार्केटिंग कंपनी है अपने प्रमोशन को लेकर लड़कियों को जो डांस करवा रहे हैं, उसमें कंपनी का नाम जो रखा गया है वो छतरपुर के बागेश्वर धाम के नाम से रखा गया है, जिस बात की आपत्ति कई लोगों द्वारा उठाई जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की फूहड़ता बरोसना है तो फिर क्यों बागेश्वर इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम रखा है, क्योंकि बागेश्वर धार्मिक स्थान है और यहाँ पे हिंदुत्व की बात कही जाती है, सनातन की बात कही जाती है और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। फिर अगर बागेश्वर नाम से इस तरीके से कोई कंपनी बनाकर महिलाओं से डांस करवाया जाए तो ये कदापि उचित नहीं है। यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके वीडियो सामने आने के बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पर ही लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उसकी हम विस्तृत खबर आपको बता रहे हैं कि छतरपुर के एक महोबा रोड पर स्थानीय मैरिज गार्डन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे एम्प्लॉय मौजूद थे और महिला एम्प्लॉय भी मौजूद थी, जिनके सामने ये 3 लड़कियाँ लगातार मंच पर डांस कर रही थी और यहाँ पे जमकर ठुमके लगाए जा रहे थे, जिस बात की आपत्ति सोशल मीडिया पर उठाई गई है। और आपत्ति कार्यक्रम को लेकर नहीं, बल्कि बागेश्वर जो नाम रखा गया है उस बात की आपत्ति है, क्योंकि बागेश्वर जो नाम है वो धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ नाम है और यहाँ पे अश्लीलता परोसी गई, ठुमके लगवाए गए और फूहड़ता की गई, जिसको लेकर यहाँ पे सोशल मीडिया पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आप हमारी जो स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियाँ मंच पर डांस कर रही हैं, और यहाँ पे तमाम चीज़ों को लेकर मीडिया ने जब सवाल किए तो यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉय क्या कहते हैं, भाई भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, और ब्रेक के उस पार आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार कंपनी के एम्प्लॉय क्या सफाई दे रहे हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सोरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में। तो कंपनी के एम्प्लॉय का क्या कहना है, जरा यह भी सुन लीजिए। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम नाम क्यों लिखा है बैनर में? मतलब जैसे ये समझ लीजिए, आपके कोई धार्मिक संस्था से जो हम जुड़े रहते हैं तो हमारे खुद मतलब हम डिसाइड करते हैं, जैसे ब्रांच का नाम वगैरह। ब्रांच का नाम है क्या बागेश्वर? हाँ, बागेश्वर धाम ब्रांच का नाम है, तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप देते हैं हम, प्रोडक्ट सेलिंग। हाँ, लड़कियाँ डांस कर रही हैं बागेश्वर धाम धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है छतरपुर। ये मैं डांस के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बाकी ये जो हमारे काम के बारे में बताओ, हम खुद राजस्थान से भी आए हैं। बागेश्वर धाम रजिस्टर्ड कंपनी है क्या? बागेश्वर धाम रजिस्टर्ड नहीं है, बट कंपनी का नाम रखा गया है, मतलब सॉरी ब्रांच का नाम रखा गया है। हाँ, ब्रांच कंपनी से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे कार्यक्रम क्या गया है? कार्यक्रम जिन लोगों ने प्रमोशन लिया है उन्हीं लोगों को इनविटेशन दिया गया है, जो कंपनी में जो कुछ लोगों ने काम किया है अच्छा और प्रमोशन लेके जिनका चेक वगैरह, उनको ये सम्मानित किया जा रहा है। सुना आपने, कंपनी के एम्प्लॉय का कहना है कि हमने यह कार्यक्रम अपनी जो कंपनी है उसके प्रमोशन के लिए किया है और डांस करवाना सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट करना था और इसमें कहीं भी फूहड़ता नहीं की गई, इस तरीके की सफाई इन्होंने दी है। लेकिन सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके से असली लंग्स करवाने थे तो क्यों बागेश्वर नाम यहाँ पे कंपनी का रखा गया और यहाँ पे बैनर भी लगाया गया। और जब कंपनी के एम्प्लॉय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम हमने नहीं लिखा, ना ही हमने महाराज की फोटो लगाई है। इस तरीके से सफाई उन्होंने मीडिया के कैमरे पर दी है।
लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही कहेंगे कि छतरपुर का बागेश्वर धाम काफ़ी अच्छा स्थान है, धार्मिक स्थान है और यहाँ के लिए लोगों की आस्था धर्म से जुड़ी है और बागेश्वर धाम नाम रखकर इस तरीके से मंच पर असली डांग से अफुवरता नहीं करनी चाहिए और यहाँ पे इस बात को लेकर कंपनी को भी सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्शन लेने वाले अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वरदान एक्सप्रेस पर यह खबर आप तक पहुँचाई है हमारे सहयोगी राहुल माली ने। आप देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर सुझाव दीजिए। इसके अलावा इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर अपने विचार रख दीजिए। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।